डॉक्टर राजेंद्र सिंह को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे से चर्चा करी थी कि हम उज्जैन में एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा आप उज्जैन में मत रखिए, हम एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम हम भोपाल में रखते हैं और इसमें राज्य सरकार आपके साथ मिलकर एक कार्यक्रम करेगी। क्यों? सब का जीवन पानी से जुड़ा है, मेरा जीवन भी पानी से जुड़ा है, पर मेरा राजनीतिक जीवन भी पानी से जुड़ा है। मैं बताता हूं क्यों। ये उस समय मैं नौजवान था, 69 की बात है, छिंदवाड़ा के में घूमते हुए एक दिन रात को एक जगह है सौंसर, सौंसर से मैं पांडुना जा रहा था 10 बजे, रात के 10 बजे होंगे। मेरा कोई इरादा कोई चुनाव के मैदान में आने का नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कभी। जब मैं जा रहा था रास्ते में, 10 बजे थे रात के, तब सड़क पर 15 या 20 महिलाएं दिया लिए हुए, थाली लिए हुए, टीका लिए हुए खड़ी थी। मैं रुका, मैंने कहा 10 बजे रात को, और मैं 2-3 घंटे लेट चल रहा था, इसका मतलब ये 3 घंटे से इंतजार कर रही थी। मैं रुका, उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने कहा क्या बात हो गई, आप क्यों रुके? सड़क पर उनका गांव आधा किलोमीटर अंदर था, सड़क से आधा किलोमीटर अंदर था, आधा या 1 किलोमीटर अंदर था। तो उन्होंने कहा कि हम रुके हैं। मैंने पूछा कितनी देर से रुके हैं? उन्होंने कहा हम 3 घंटे से रुके हैं। क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि हमारे गांव में हमारे बेटे की शादी नहीं होती। जब बेटे की शादी नहीं होती तो मैं क्या कर सकता हूं? ताज्जुब लगा मुझे। उन्होंने कहा बेटे की शादी नहीं हो सकती क्योंकि पेयजल जो है वो 12 किलोमीटर दूर है, तो कोई अपनी लड़की देने को अपने गांव में तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबक मेरे लिए था, और उस समय मैंने तय किया कि इसका हल क्या है, क्या मैं सिफारिश करूं, क्या किया जाए। उस समय मैंने तय किया कि मुझे चुनाव के मैदान में आना पड़ेगा और खुद इस जिम्मेदारी में मेरा योगदान होना चाहिए। और मैंने उस समय तय किया 79 में कि मैं चुनाव में के मैदान में उतरूंगा। तो मेरा राजनीतिक जीवन भी पानी से जुड़ा है, यह मैं कहना चाहता था। ये अधिवेशन क्यों? बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, पर इस अधिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने केवल मध्य प्रदेश में नहीं पर पूरे देश भर में पानी की है। बारिश तो घटी नहीं, बारिश बदली नहीं, पर हम कैसे बदल गए? हम ने लापरवाही से, हमने अपनी आदतों से, हमने बिना सोचे क्या किया कि उतनी बारिश जो हमारी नदियां थी, कितनी हजारों नदियां हैं, नाले हैं जिनमें 40 साल पहले 45 साल पहले पानी हुआ करता था, आज सूखी पड़ी है। बारिश तो कम हुई नहीं, कौन सी ऐसी बात हुई जहां आज ये हमारे नाले सूख गए, हमारी छोटी छोटी नदियां सूख रही हैं। जितना हमारा वाटर लेवल बाकी नदियों में होता था वो वाटर लेवल घट रहा है। तो कौन सी कमी रही? तो आज पानी जो हर व्यक्ति, छोटा होए, बड़ा होए, बच्चा होए, बुजुर्ग होए, किसान होए, पानी उसके साथ जुड़ा है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पर इस अधिवेशन का महत्व तब बनता है कि ये जो इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने मध्य प्रदेश और देश भर में है, इस चुनौती की आप चर्चा करेंगे,
इस चुनौती पर चर्चा करेंगे। हमारे बांध की क्या हालत है? आज 65 बांध मध्य प्रदेश के सूखने जा रहे, पानी की कमी है। 164 रिजर्वर जो हैं सूख रहे हैं। तो हम आगे बढ़ने की जगह हम तो पीछे जा रहे हैं। हम समस्या का हल के बारे में सोच रहे हैं, पर समस्या जो आज की है कल कौन सी समस्या होने वाली है? तो इस सोच के साथ हमने बहुत सारी चीजें तय करी। हमने तय किया कि हम राइट टू वाटर, हमारा जल अधिकार कानून हम लाएंगे। ये कानून तो बन जाएगा, पर कैसा कानून बनाए इस पर आप चर्चा करेंगे। आज हमारी नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र में जब मैं ये आंकड़े समझता हूं, कितनी चिंता होती है। 11 ऐसे हैं हमारे नगर निकायियां जहां 4 दिन में एक दफे पानी आता है। 50 हैं जहां 3 दिन में एक दफे पानी आता है। और 117 हैं जहां हर 2 दिन में ही पानी आता है। ये तो हमारी नगर निकायों का हाल है, ये हमारे बांध का हाल है, ये हमारे रिजर्वर्स का हाल है। तो ये इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने हुई, इसलिए इस अधिवेशन की विशेषता बनती है। पर एक बात और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जब हम पानी की बात करें, इस समस्या को हल करने की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। अगले 5 साल में नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। पहले हम नहर की बात करते थे, कनाल की बात करते थे, आज हम पाइपलाइन की बात करते हैं। हम बहुत सारी जगह पाइपलाइन हमारे कनाल हमारे नहरों को रिप्लेस कर रही है। तो हम नई टेक्नोलॉजीज का कैसे उपयोग करें अपनी इस पानी की समस्या से? नई टेक्नोलॉजीज, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मैं तो कहूंगा आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए जो नई टेक्नोलॉजीज पर अध्ययन करें। मेरे पास तो एयर टू वाटर, हवा से पानी की भी कई प्रपोजल आए, बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया। अब तो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। हम ये नई टेक्नोलॉजीज को कैसे लाएं, कहां इनका सही उपयोग हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजीज लाएं, नई सोच लाएं। जो 20 साल पहले उचित था आज उचित नहीं होगा, जो 10 साल बाद या 10 साल पहले संभव था वो आज संभव है। ये चर्चा का विषय होना चाहिए, हम इनको कैसे जोड़ें। और हमें याद रखना है कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। जब पर्यावरण का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो में 92 में हुआ था, उस समय हमने पर्यावरण की बात करी, हमने फॉरेस्ट जंगल की बात करी, और मैंने उस समय कहा था कि हम पर्यावरण की बात करें, हम जंगल की बात करें, ये तो सही है, पर जब तक हम पानी की बात करें ना करें, तब तक पर्यावरण और जंगल की बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जनेरो, उस समय मैं पर्यावरण मंत्री था, पर्यावरण और वन मंत्री था, मैंने ये बात कही थी। तो आज इस अधिवेशन में आकर मुझे खुशी है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना सामाजिक कर्तव्य के प्रति उन भावनाओं के साथ आप इससे जुड़े हैं। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने समय लगाया, आपकी सोच आपके सुझाव को हमें आवश्यकता है। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप तो देश भर में चक्कर काटते हैं, पर देश भर में तो काटते रहिए, पर जरा कम काटिए, ज्यादा समय आप मध्य प्रदेश में लगाइए। और हम पहला प्रदेश बनना चाहते हैं
जहाँ हम 5-10 साल बाद खड़े होकर कह सकें कि ये हमारा मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ हमें पानी की कोई कमी नहीं है। हमें पानी, हम तो पूरे देश भर की पानी की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, हम तो देश का हृदय है। ये मेरा स्वप्न है, ये हम सबका स्वप्न होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।